नमस्कार नुआ सकाळ रे सब चासी भाई भोनी मानको अन्नदातार एक नूतन अध्याय को मु बंदिता स्वागत करूची एबे आसंत जीवा कार्यक्रम को जानि नेबा मुख्यांश गुडी का धान ओडिसा रो मुख्य फसल ओडिसा रे चासी भाई माने एई धान फसल ऊपर निर्भर करिथांती। धान फसल रे विभिन्न प्रकार रोग उपकर समस्या देखा जाए सेथि मधेरु गंधी पोक अन्यतम। एई पोक धान फूल ओडेबा क्षीर ढोकिबा समय रे फसल को आक्रमण करिथाय और धानरु रस शोषि नहीं थाए फसल रे अमल कमी जाए। वैज्ञानिक मान परामर्श कर पोक नियंत्रण करे अधिक अमल पाइब तेरे आज आसतु जाणवा गंधी पोकर नियंत्रण विषय रे। आज जो आलोच्य विषय धान फसल में मुख्यतः अनिष्टकारी कीट लगुवा जो गंधी पोक विषय में आम आलोचना करवा देखो धान फसल आरंभ बहुत प्रकार अनिष्टकारी कीट ताको आक्रमण करते तो बेसिकली मुख्यतः धान क्षीर ढोकला समय रे ये जो अनिष्टकारी कीट लगे जहाद्वारा कि सीधा सड़क चाषी मान क्षति होता है। कौन हुए ना ये पोक लगवा द्वारा ये धानर क्षीर ढोकवा समय फसल को आक्रमण करता है। पोकटी आप देखा सामान्य ईसत ब्राउन ग्रीन नुह कि आपंकर धूसर नुह सामान्य धूसर कलर आपंकर लंबा सिलिंड्रिकल बॉडी आउ बड़ बड़ आंटीना दुटा थाए जोटा कि जहाज कौन कै ना यार पियर्सिंग आ सकिंग टाइप मार्थ पार्टस जोटा कि आप मशा भाई ये धान धान भितर पशिक मैं पूरे तार शुंड तार रस शोषि खाई है जहाद्वारा कौन हुए धान अगाड़ी हो जाए संपूर्ण जो आंशिक आक्रमण कैर तो कौन हुए से जगह सुटी मोल्ड हो जाए जहाद्वारा कौन हुए ना धान रंग परिवर्तन हो जाए जोटा कि जो मिलिंग आम करवा तो मिलिंग समय धान भांगी जाए तो ये यार लक्षण मुझे कहते ये पोक आप जेनेली धान क्षेत्र में क्षीर जो धान फूल उड़े सारापर क्षीर ढोके से समय धान को आक्रमण करता है जहाद्वारा कि सीधा सड़क आपंकर चाषी क्षति होता है। तो ये आपको नियंत्रण करने आम मुख्यतः चाषी मान सब कही आप देख सब धान क्षेत्र चतुर्पाश्वर अनावना घास अनावना घास सब सफा रखिए कारण ये पोकर वंश आगक नजीब ये जदि आपंकर घास रहा तो तार वंश वृद्धि सहायक होता है। ता द्वितीय कथा हूँ कौन ना आपको आप धान फसल रोबे ये धान रुआ हे तो सब सिंक्रोनाइज प्लांटिंग करूँ आप मानने आग पछे रोले कौन हम ना जो गोटे बिल धान फुल उड़ू आ गोटे बिल धान बाहर नो तो जहाद्वे कौन हम ना गोटे केयर रू आ गोटे केयर की पोक आक्रमण करें तो जितने से सामान समय धान आम रोबा तो सामान समय जो यार देखा मानने फसल रे तो पपुलेसन कम थाए जो आम नियंत्रण करा सुविधा आमको होता है। तो यहाँ गोटे चाषी मान परामर्श करनाइज प्लांटिंग ट्रांसप्लांटिंग करेंगे तृतीय कथा तो यापे आम जब जैविक हिसाब से आम नियंत्रण करा विधि आम कहे तो जेनेली आम जो गेंडा आम चाष जमी में मिलता है गेंडा आम कह गेंडा 200-250 ग्राम गेंडा छेचिकी आपंकर जमीन एकर प्रति 8-10 जगह गोटे मानने पतला कपड़े बांधिकी आप टंगे झुलेबे तो ता गंधरे ये पोक आपंकर जमीर पड़े थाए नचे आप जानवे कि ये जो पोक जेनेली लाइट ट्रैप बजार बर्तन लाइट ट्रैप आवेलेबल होने स्वाइप नेट आवेलेबल हो जमीन में आलोक जनता बसवा दरकार आलोक जनता बसा द्वारा कौन हो ना एम आलोक जनता आसिक पड़े आप चिन्हे कमी पोक टी ना पोकर बड़ी आकार तार आकार हूँ सिलिंड्रिकल लंबाड़िया बड़ी और जोड़े लंबा लंबा आंटीना आपंकर शुंड हो मशा टाइप शुंड पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप माउथ पार्ट्स तो आपको आप धरले हाथ में हाथ गंधेला लगे तेणु आ नाटा से गंधी पक दि जाए तो आपको आप धरवे हाथ आप गंध हम तो ये जो पोक को आम नियंत्रण करने बेसिकली जो जैविक नियंत्रण मत कौली गेंडा साहय कहूँ नई तो फ्रेश काओ यूरीन कि काओ डंग मैंने आप गाई मूत ना गोबर आप जमीन में स्प्रे करते तो ये पोक जमी गंधरे ये जमीर छाड़ी पलैब ए नचे आप गाई मूत भी स्प्रे करती गोटे लिटर मूत 9 लिटर पा मिसे स्प्रे करेंगे तो ये पोक भी आप फसल छाड़ी पलि पारे नचे आप देखापर ना तो आप रासायनिक कीटनाशक व्यवस्था अवलम्बन करेंगे एवं आम चाषी मानक परामर्श कर आप जमीन मझे मझे किसी बार्ड परचेस जोटा कहते रंजा रंजा पोतुँ जहाँ चढ़ई मान भी आस बसवे चढ़ई मानक मुख्य खाद्य हूँ ये कीट कीट खाते से जमीर खोजी खोजी से कीट खाते तो आप बार्ड परचेस लगाती जमीर जमी चारिपट लगाती तो आप प्राय अनिष्टकारी कीट मानक दाऊ फसल को सुरक्षा दे पार।
या सत्वे जदि आप देखिले प्रकार करने भी आपंकर फसल यही प्रकार कीटर आक्रमण रही जोटा भारी असुविधा कथा तो आम रासायनिक कीटनाशक व्यवहार करियंत्रण करवा ना आपं बजार में मालाथेन मिलूँ आप साइपर मेथेन मिलूँ तो 2 ml पर लिटर हिसाब से आपड़ सिंचन करेंगे ये पकड़ निश्चित भाव फसल को सुरक्षा देपर एवं गोटे छोटिया विरतिर समय विरति पर रही विरति पर आपंक पुणि थे स्वागत ओडिशा मत्स्य संपद विकास क्षेत्र में भारत में एक अग्रणी राज्य आम राज्य में 6.69 लाख हेक्टर मधुरा जल उत्स 4.18 लाख हेक्टर ख्यारी जल उत्स और 480 किलोमीटर दीर्घ उपकूल रही आम राज्य सरकार नूतन माछ पोखरी खनन और माछ चाष को आदृत करने मो माछ पोखरी योजना आरंभ कर एक योजन सरकार शतकड़ा 90,000 टंका रिहाती प्रदान व्यवस्था करोजना कौन से विषय में गंजाम जिलार मत्स्य निर्देशक विष्णु पाणिग्राही कौन कहते आसतु जाणी सरकार ये माचाष विशेष विशेष प्रमुख योजना मान रही से भितर अन्यतम होता मो पोखरी योजना ए गोटे प्रोजेक्ट आसी गोटे हेक्टर को आम 8,50,000 टकर प्रकल्प करुचु से 50% सब्सिडी किंतु ये पोखरी मिनिमम गोटे 1/2 acre 1.5 acre पर्यंत हो पार गोटे लोक 2 hectare पर्यंत माछ चाष कर उपकृत हे आ 2 hectare सब्सिडी पार या छड़ा आम यो पोखरी योजना आम छोट जाल रु बड़ जाल करने गोटे प्रकल्प रही जार प्रकल्प कॉस्ट 2,50,000 तार 50% सब्सिडी 125,000 किंतु मिनिमम से 25 cents भरणे 5 नौती रु आरंभ करी आम गोटे 1 acre पर्यंत माछ पुराणा पोखरी माछ जाल बड़ जाल कर दुईटी योजना को जदि चाषी माने ध्यान देबे ताहले गोटे चाषी 0.5 acre रु 2 hectare पर्यंत माछ चाष कर सरकार रिहाती नहीं पारे पुराणा पोखरी जदि अच्छी चाषी गोटे 25 cents रु आरंभ कर गोटे 1 acre पर्यंत माछ छोट जाल रु बड़ जाल कर अधा सब्सिडी पाई माछ चाष जोरसोर से बर्तमान गंजाम जिला चली ओडिशा सारा चली आज नुआ योजना है जे महिला मानक द्वारा जो सेल्फ हेल्प ग्रुप महिला स्वयं सहायक संघ होती से महिला मैंने माछ चाष करकृत हो पारे गोटे ग्रुप रे मिनिमम 10 जन महिला मेम्बर अच्छा आउ अधिकारे अधिक 15 जन अच्छा से मैंने केमी पोखरी माछ चाष करेंगे तक तो निजर पोखरी ना कि संबल ना माछ पोखरी खोलियापाई पंचायत स्तर जिते पोखरी रही जो पोखरी की लोक नहीं कि माछ चाष कर अधिक रु अधिक माछ आदाय कर महिला मानक ये सुजोग दि जाइए गत वर्ष ठारु जे पंचायत पोखरी की से माने लीज सूत्र रे 3 वर्ष को लीज नहीं माछ चाष करेंगे उन्नत धरणर बड़ जाल मुंडा जाल छाड़े आ खाद्य देवे माछ अमल करके उपकृत हेबे किंतु यहाँ हाथ नाक प्रथमे संघ गोटे दरखास्त पंचायत को कर पंचायत वाला मासिक बैठक में गोटे रेजल्यूशन कर गाँवर जो बंधु से चाहूँ से बंधु को 3 वर्ष लीज देवाई रेजल्यूशन करेंगे से रेजल्यूशन लिखे जे यह कले पंचायतर माछ चाषर उन्नति आसव एककालीन पंचायतर राजस्व आदाय हो पार आक अनुमोदन कर विडीओ को पाख पठेबे विडीओ सेटा को अनुध्यान करी से पोखरी की रेकमेंड करेंगे सबकलन पाख सबकलन पाखर गत 3 वर्षर आदाय देखी से जो 13 नंबर फर्म रे पंचायत देखे ताकू देखी आउ 10% मिसाई से पोखरीटा को लीज करने सबकलन पाखे एप्रुवल आसी थाए से एप्रुवालटा पुणी विडीओ पाख जा विडीओ पंचायत स्तर को जा पंचायत स्तर रु महिला संघ माने लीज नहीं माछ चाष आरंभ कले किंतु ये माछ चाष करने सामयिक वैषयिक ज्ञान कौशल दरकार जे से आज लीज नहींगले
आणिकी छोट जाँल धानी जाँल छाड़देवे फलप्रद होनी कि पुणा जाँल से पखापाखि कौट मिल 50 ग्राम 100 ग्राम केते छाड़िया कथा एकर प्रति 2500 रु 3000 ये जाँल छाड़ी नियमित चून पक खाद्य आकार बादाम पीड़िया है पॉलिश कुंडा है कि जो पोच करके दौच सोरस पीड़िया धान गुंड को गुंड कर गुड़ किसी मिसई आउ ईस्ट पाउडर किसी मिसई आमें एक जदि दे पार मछर प्राकृतिक खाद्य जो तैयारी हुए प्लांकटन से खाद्य खाई माछ बढ़ी था बर्तमान परिलक्षित होइछि पाखापाखि गोटे एकर पिछा से 1200-1500 किलो ठार आरंभ कर 2000 किलो माछ गत थर आदाय कर बहुत महिला संघ बर्तमान आगे आस चाष ज्ञान कौशल ब्लॉक स्तर मत्स्य संप्रसारण अधिकारी माने जो अच्छा से मानक दे विरती पर पुणि थे स्वागत ओडिशा चाषी आज भी पारंपरिक पद्धति अवलंबन करी चाष करती तेणु आशा अनुजाई लाभ पाई ना जदि से माने उन्नत ज्ञान कौशल विषय जानवे आ कृषि क्षेत्र में तहार व्यवहार करेंगे ताहले निश्चय लाभवान हो पारे आम राज्य में यही समय चाषी मैंने केतक आखु चाष करते जो चाषी मैंने आखु चाष करने को चाहते से उन्नत ज्ञानकौशल आखु चारा प्रस्तुति करी चाष करे अधिक लाभवान हो पारे आखुर चारा प्रस्तुति किपर कराए से विषय आसतु जाणी अधिक अमल एवं अधिक लाभवान होमको आखु चाष को वर्तमान जो आधुनिक प्रणाली रे चाष करा जाउची सही पंथा अवलंबन करिया को पड़ियो तबे चासी भाई माने चाष करुसंती से मुख्य जमी रे गच्छ संख्या ठीक रखिया को पड़ियो गच्छ संख्या ठीक रहिबा को हेले आमको उन्नत मानर बिहन संग्रह करिया को पड़ियो उन्नत मानर बिहन जो आखु चाष पई दरकार हुए साधारणतः 1 हेक्टर आखु चाष करिया को हेले आमको प्राय 10 टन पर्यंत बिहन दरकार पड़िथाय तबे वर्तमान जो आधुनिक प्रणाली रे चाष करा जाउची सेथरे यदि आमे ठीक भावरे आमे तळीघरा प्रस्तुत करिकी आखु बिहन उत्पादन करिवा तेबे आमको 10 टन परिवर्ते ताठर बहुत कम परिमाण बिहन व्यवहार करी मध्ये आमे आखु चाष करि परिवा यदि आमे वर्तमान जो अछि बर्ची प्रणाली सेही प्रणाली यदि अवलंबन करिवा तबे 1 हेक्टर जमी पई मात्र 1.5 टन में आखु बिहन व्यवहार करिवा ताहले हेई परिवो किंतु सबुठारे सबु समय रे आमे बर्चिप प्रणाली रे आमे जदि आखु बिहन उत्पादन करिवा ताहले जदियो सेतरे मात्र 1.5 टन आखु बिहन दरकार होउची सबु चासी भाई माने करि पारि नथांती पाखपाख अंचल रु आमे जदि बिहन संग्रह करिकी आमे जदि बर्चिप प्रणाली रे आखु चाष करि न पारुचे ताहले मध्य आउ गोटे प्रणाली अछि जोथरे चासी भाई माने निजे मध्य आखु बिहन जे जो बर्ची प्रणाली भली प्रस्तुत करि परिबे सेथिरे आमे जानिचु गोटे हेक्टर आखु चाष पई साधारणतः 3 आखिया आखु खंड प्राय 40,000 खंड दरकार पड़िथाय जदि 2 आखिया आखु खंड आमे व्यवहार करिबा हेक्टर प्रति प्राय 60,000 आखु खंड दरकार थाए एहिभळि भाबरे हिसाब कले प्राय हेक्टर प्रति आमको 10 टन र बिहन र आवश्यकता रहिछ किंतु जदि आमे बर्चिप प्रणाली पोटा प्रणाली अवलंबन करिबा जोथरे 1 आखिया आखु खंड व्यवहार करिबा ता मध्य बहुत कम परिमाण बिहन रे आमे 1 हेक्टर आखु चाष करि परिबा तबे सेथि पई आमको उन्नत मानर तळीघरा प्रस्तुत करिया को पड़िबो तळीघरा प्रस्तुत करि सल्ला परे सेथिरे जो तळी बा चारा उत्पन्न हबो ताहाकु आमे पार्श्व निकट रे थिबा मुख्य जमी को नै ताकु रोपण करि सल्ला परे आमर प्राय 2 टन आखु 1 आखिया आखु खंड मध्य आमे व्यवहार करिकि चाष करिया को हेले आमे प्रथमे आखु खंड जोथुर आमे तळी प्रस्तुत करिबा ताकु संग्रह करिबा तबे जो जमीरु आमे आखु खंड संग्रह करिबा जदि से जो फसल 6 रु 8 मास भीतर हेइछि ताहले सेभळी क्षेत्र रे से आमे से पूरा आखु गछटी को आमे बिहन हिसाब रे व्यवहार करि परिबा जदि सेटा मुख्य फसल जोथुर आखु आमे चीनी से बा गुड़ पई प्रस्तुत करिया को बिक्री करचे सेभळी क्षेत्र रे जदि आमे बिहन संग्रह करिबा तबे से आखु खंड रो ऊपर 1/3 अंश को आमे आखु बिहन भाबर व्यवहार करि परिबा जेते बेले आमे देखिबा
ଆଣିବା ସେଠୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଆମେ ଦେଖିବା ସେ ଆଖୁ ଖଣ୍ଡର ଆଦ୍ରତା ଅତି କମ୍ରେ ଶତକଡ଼ା 65 ଭାଗ ରହିବା ଉଚିତ କାରଣ ଆଖୁ ଖଣ୍ଡର ଯେଉଁ ବିହନ ରୂପେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆଦ୍ରତା ଯଦି ଶତକଡ଼ା 65 ଭାଗରୁ ଅଧିକ ନଥିବ ତାହେଲେ ସେଥିରୁ ଭଲ ଗଜା ହେବ ନାହିଁ ସେତେବେଳେ ଆମେ ବିହନ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଦେଖିବା ଯେ ସେଇ ବିହନ ରୋଗମୁକ୍ତ ଏବଂ ସେଥିରେ କୌଣସି ପୋକର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ରହିନଥିବା ଦରକାର ତେବେ ସେ ଆଖୁଖଣ୍ଡ ସଂଗ୍ରହ କଲା ପରେ ଯାହା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ସେମାନେ ଆମେ ତଳଭାଗରୁ ଯଦି ସଂଗ୍ରହ କରୁଛେ ସେତେବେଳେ କେତେକ ମୃତ୍ତିକାବାହିତ ରୋଗ ସଂକ୍ରମଣ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ତେଣୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମେ ଆଖୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ବିହନ ପାଇଁ ଏକଖଣ୍ଡିଆ ଆଖୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ସେଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ବିଶୋଧନ କରିବା ଦରକାର ପ୍ରତି 200 ଲିଟର ପାଣିରେ ଆମେ 600 ଗ୍ରାମ ଚୂନ ମିଶାଇ ଯଦି ଆମେ ଆଖୁଖଣ୍ଡକୁ ପ୍ରାୟ 12ରୁ 14 ଘଣ୍ଟା ବୁଡ଼ାଇ ରଖିବା ତାହେଲେ ଏହା ଭଲ ଭାବରେ ଗଜା ହୋଇଥାଏ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତଳି ଘରରେ ଆଖୁଖଣ୍ଡକୁ ଲଗାଇବା ସେ ସମୟରେ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉଇ ସଂକ୍ରମଣର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଉଇ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ଆଖୁର ଗଜା ଭଲ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରୁ ଆମେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବିହନ ପାଇପାରୁନେ ତାକୁ ବିଶୋଧନ କରିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରତି 200 ଲିଟର ପାଣିରେ ଆମେ ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ 1.5 ଗ୍ରାମ ହିସାବରେ ବାଭିଷ୍ଟିନ୍ ଆମର କ୍ଲୋରୋପାଇରିପସ୍ ଗୁଣ୍ଡ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇଲା ପରେ ସେଥିରେ ଆମ 1 ହେକ୍ଟର ପାଇଁ ଯେତିକି ଆମର ଆଖୁଖଣ୍ଡ ବିହନ ଦରକାର ତାକୁ ଅତି କମରେ 2ରୁ 3 ଘଣ୍ଟା ବୁଡ଼େଇକି ରଖିଲେ ସେଇଟା ଏକ ବିଶୋଧନ ହୋଇଯାଇଥାଏ ବିହନ ବିଶୋଧନ କରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଆଖୁଖଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକୁ 1 ଆଖି ଆଖୁଖଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇକି ଆମେ ତଳି ଘରରେ ଲଗାଇବା ତେଣୁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଯେତେବେଳେ ବିହନ ଖଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନେ ତଳି ଘରରେ ଲଗାଇବେ ସେମାନେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଉଚିତ ସେମାନେ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଯେଭଳି ତାର ଆଖି ରହିପାରିବ ଯଦି ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ସେ ଆଖୁଖଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକର ଆଖି ରହିଥାଏ ସେଥିରୁ ଯେଉଁ ଚାରାଟି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ସେଥିରୁ ବଢ଼ିଆ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ପିଲ ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ତାହାର ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟକୁ ସହନ କରିବାର ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ତେଣୁ ଆମକୁ ଧାଡ଼ିକି ଧାଡ଼ି ଆମେ ସେ ବିହନ ଖଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ ରଖିବା ବିହନ ଉତ୍ପାଦନ କରିପାରିବା ସେଥିପାଇଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମେ ଗୋଟେ ତଳିଘରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ତଳିଘରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ହେଲେ ସେ ଜମିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସମତୁଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସମତୁଲ କଲା ପରେ ତାକୁ 2ରୁ 3 ଓଡ଼ ଭଲ ଭାବରେ ଗୁଣ୍ଡ ଚାଷ କରିଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଗୁଣ୍ଡ ଚାଷ କରିସାରିଲା ପରେ ଭଲ ଭାବରେ ସଢ଼ିଯାଇଥିବା ଗୋବର ଖତ ପକାଇବା ପ୍ରତି 1 ହେକ୍ଟର ଜମିରେ 25 ଟନ୍ ହିସାବରେ ଆମର ଗୋବର ଖତ ପକାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେ ଗୋବର ଖତ ତଳିଘରରେ ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ଆଖୁଖଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକୁ ସଜାଇକି ରଖିବା ତଳିଘରରେ ଲଗାଇବା ସମୟରେ ପ୍ରଥମେ ପବକୁ ପବ ଲଗାଲଗି କରିକି ଆମକୁ ଧାଡ଼ିରେ ଆମକୁ ଆଖୁଖଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକୁ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଖୁଖଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକୁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଉପର ମୁହାଁ ତଳ ମୁହାଁ ଏବଂ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ମୁହାଁ କରି ରଖିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପରୀକ୍ଷାରୁ ଜଣାହୋଇଛି ଯଦି ଉପର ମୁହାଁ ଆଖୁରୁ ଅଧିକ ଗଜା ବାହାରିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଯଦି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଦେଖାଯାଏ ସେଥିରେ ମରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ସେହିପରି ତଳ ଭାଗରୁ ଯେଉଁଟା ଯେଉଁ ତଳ ମୁହାଁ କରିକି ଯେଉଁ ଆଖୁଖଣ୍ଡ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଲଗାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି ସେଥିରୁ ଯେଉଁ ଗଜା ବାହାରିଥାଏ ଅତି ଅଧିକ ସଜାଇକି ରଖିଲା ପରେ ତା ଉପରେ 1ରୁ 2 ଇଞ୍ଚର ଗୋଟେ ପତଳା ଆସ୍ତରଣ ବାଲି ମିଶା ମାଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଘୋଡ଼ାଇ ଦେବା ତାପରେ ଜଳସେଚନ କରିବା ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ବତରକୁ ଦେଖି ଜଳସେଚନ କଲେ ପ୍ରାୟତଃ 7ରୁ 8 ଦିନ ପରେ ସେଥିରୁ ଆଖିର ଯେଉଁ ଆଖୁଖଣ୍ଡର ଯେଉଁ ଆଖି ରହିଛି ସେଥିରୁ ଗଜା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ସେ ଗଜା ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ହେଇଯାଏ 21ରୁ 22 ଦିନ ହେଲା ପରେ ତାହାକୁ ଆମେ ମୁଖ୍ୟ ଜମିରେ ନେଇ ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଜିର ଅନ୍ନଦାତା ଆପଣଙ୍କ ସେବା ସୋପାନରେ କାହା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ରହିଛି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜିର ଅନ୍ନଦାତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିଃଶୁଳ୍କ ଫୋନ୍ ସେବା ମାଧ୍ୟମରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ପୋଲସରା ଗ୍ରାମର ଚାଷୀ ଦିଗମ୍ବର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ସେ ଗାଈଗୋରୁଙ୍କ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଫାଟୁଆ ରୋଗ ବିଷୟରେ କିଛି ତଥ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆମର ଏହି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଫାଟୁଆ ରୋଗଟା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭୂତାଣୁ ଜନିତ ରୋଗ ଏଇଟା ଭୂତାଣୁ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ଜନ୍ତୁଠାରୁ ଅନ୍ୟ ଜନ୍ତୁକୁ ବ୍ୟାପିଥାଏ ଏହାର ମର୍ବିଡ଼ିଟି ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ ଅଧିକ ଏବଂ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ବହୁତ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ଆକ୍ରାନ୍ତ କରିଥାଏ ମର୍ଟାଲିଟି ବହୁତ ଯଦିଓ କମ୍ କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ତାଙ୍କର ଶାରୀରିକ ବହୁତ କ୍ଷୟ ହୋଇଥାଏ ରୋଗଟି ଏକ ଭୂତାଣୁ ଜନିତ ରୋଗ ଯେଉଁ ଭୂତାଣୁର ନାଁ ହେଉଛି ଆର୍ଥୋ ଭାଇରସ୍ ପ୍ରଥମତଃ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଏହି ଭୂତାଣୁଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଚମଡ଼ା ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଥାଏ ସେଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ଏହା ସଂକ୍ରମଣ ଏବଂ ଆକ୍ରମଣ କରିଥାଏ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆପଣ ଫାଟୁଆ ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ଗାଈମାନଙ୍କଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଯେତେବେଳେ କି ଆପଣ ଗାଈ ଧକେଇ ହେଉଥିବ ଏହାର ଅର୍ଥ ଏହି ଭୂତାଣୁଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ରକ୍ତରେ ସଂକ୍ରମଣ କରିଯାଏ ଏବଂ ସଂକ୍ରମଣ କରିବା ମାତ୍ରକେ ଭାଇରେମିଆ ଷ୍ଟେଜ୍ ଯାହାକୁ ଇଂରାଜୀରେ ଆମେ କହିଥାଉ ଭୂତାଣୁ ସଂକ୍ରମଣ ଅବସ୍ଥା ସେହି ସମୟରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଗାଈର ଗୋରୁମାନଙ୍କର ଟେମ୍ପରେଚର୍ ବଢ଼ିଯାଏ ବା ଉତ୍ତାପ ତାପମାତ୍ରା
तापमात्रा बढ़ी जाए। शारीरिक तापमात्रा 105 डिग्री फारेनहाइट रु 106 डिग्री फारेनहाइट पर्यंत होई पारे, जहाँ फल कि गाईटी असह्य गरम सह्य न करि पारि धक्के हुए। तेणुकरी तहार एही प्रकार लक्षण रु आपण अनुमान करिबा दरकार गाईटी निश्चिंत रूपरे रोगाक्रांत अछि। फाटुआ रोगर अन्य लक्षण गुड़िक मध्यरे प्रमुख लक्षण गुड़िक हेउछि तार मुहरे फोटका हेजिबो, तार दांत माढ़ी गुड़िकर मध्य फोटका हे जाए, बेले बेले जीभरे मध्य तार फोटका हे जाए, एवं तार पन्हार चीर गुड़िकर मध्य फोटका हे जाए। एवं आउ गोटे लक्षण मध्य आपण लक्ष्य करि पारिबे, तार दुईटी खुरा मझिरे मध्य फोटका हे जाए, एवं ए फोटका गुड़िक जेतेबेले फाटी जाए से समय रे ही एक प्रकार मुख्य असुविधा गाई मानक देखा जाए, से जगह गुड़िकर दसीपक संक्रमण हो जाए। तेणुकरी खुरा द्वय मध्य जो जगटे फोटका फाटी जीव से जगटे दसीपक होवार संभावना अधिक थाए, एवं गाईर चीर अगरे जेतेबेले फोटकाटी फाटी जाए सांघातिक भाव में ताकू कष्ट हुए, एवं से जगार मध्य दसीपक होवार संभावना थाए, एवं से जगटी संपूर्ण रूप से नष्ट हो तले छिंडी पड़िवार मध्य संभावना रही। तेणु ए रोगटा गोटे संक्रामक रोग होइतिबारु आमर भारत सरकार एवं ओडिशा सरकार एथि भितरे बहुत तांकर कार्यक्रम निया जाइछि। ए रोगटी केमिति जंतु मानक पाखरे हबो नै, आमर भारत सरकार एबे निकटरे FMD कंट्रोल नामरे गोटे प्रोग्राम करिछन्ते, एवं सेथिरे आमर भारत बर्षरु केमिति ए रोग दूर हेइ पारिबो तार प्रचेष्टा आमे सब करुछु। आम ओडिशा रे मध्य ए फाटुआ रोगर TP प्रोग्राम कंट्रोल प्रोग्रामटा चालू रही, आम गंजाम जिले में चालू रही। साधारणतः ए रोगटी गोटे आक्रांत पृष्ठ अन्य आक्रांत को संक्रमित होता है, तेणु जो समय ये रोगटा होता जमी चाषी भाई मैंने देखिए से गोरु गाई जमी गोटे स्थान रे जगह को जीवे ना अगर भल गोर सांगे संस्पर्श आसबे ना। साधारणतः ये रोगटी आम जिला को पड़ोशी जिला कि पड़ोशी राज्य आक्रांत गोरु आसिकर मिसिक रोगटा को सृष्टि करते, तेणु सबूत चाषी भाई मैंने जिते बाहर गोरु आणुंतु जदि यही प्रकार रोग होता निश्चित निजर स्टक मिसेबे ना किद अलग रखे से रोग भल होगा पर्यटन। आउ ये रोग से साधारण गोरु गाई मृत्यु बहुत कम होता है, ताकू आपण प्रथमे ट्रीटमेंट बा तार उपचार केमिति करबा चेष्टा करबा दरकार। मु आपणकु विभिन्न प्रकार उपचार उपरे बतेइबी, प्रथमे मु आपणकु घरोई उपचार उपरे कहूची। घरोई उपचार उपरे आपण जानि रखबा दरकार, जदि आपणक घर पाखरे पसारुणी पत्र अछि, पसारुणी पत्र रु आपण 200 ग्राम पसारुणी पत्र आनी ताकू जदि संपूर्ण रूपरे बाटी एवं 200 ग्राम पसारुणी पत्र सहित मात्र 100 ग्राम रो गुड़ मिसेई आपण जदि गाई को प्रत्येक दिन रे 2 थरो 3 दिन पर्यंत पान करिया को दियंती, ताहाले गाईटीर ज्वर जो शरीर में रही थी ज्वरटी भल हो। द्वितीय जिनस हूँ आपण जदि खंड हलदी अच्छी निंब पत्र गच्छ अच्छी ताहाले आपण निंब पत्र 100 ग्राम बाटिदेवे, खंड हलदी को 100 ग्राम बाटिदेवे, ताकू सामान्य आपण नड़िया तेल हो बा आपण सोरस तेल हो बा सबुठ भल हे जड़ा तेल जदि आणवे 100 ml ता सहित आपण मिसेदेवे, खंडिया बा घा हो जगह मानक लगेदेवे, ताहाले से जगार दसीपक होवार संभावना कम थाए, एवं पानी से जगह न लगे जगटी सुरक्षित रुहे, एवं घा मध्य शीघ्र भल हो जीवार मध्य संभावना थाए। घा रु जेते शीघ्र पानी सुखी जीवो सेते जल्दी घाटी नष्ट हो जीवो, एवं घा रे मध्य पूज सृष्टि होवार संभावना थाए। तेणुकर आपण ए प्रकार उपचार कले घाटी को लक्ष्य करि परिबे। आपण को अन्य एक उपाय मध्य मु बतेइ दउची, जहाँ हेउची आपण सामान्य परिमाण रे ग्लिसरीन बा पाराफिन तेल जदि आपण बजार रु किणी आनिबे 100 ml रो बोतल आपण के पाखरे अवेलेबल अछि, आपण आनी ता देहरे सामान्य परिमाण रे पोटासियम परमांगनेट 10% रो बोतल जहाँ मिलूची सेथिरु 5 ml मिसेइबे, बा आपण जदि पोटासियम परमांगनेट पाउडर न पांती ता सहित आपण बीटाडाइन ता सहित मध्ये मिसेइ परिबे, जहाँ कि 10% बाजार रे मिलूची ता सहितरु मध्ये 5 ml आपण मिसेइ परिबे। मिसोई देई आपण जदि संपूर्ण रूपरे गोटे दांत काटी अगरे गज कपड़ा टिए बांधी एही प्रकार मिश्रण को आपण जदि खंडिया बा घा मानक मुहरे होइतिबा घा जीवर होइतिबा फोटका एगुडी कर लगे देई परिबे, ताहाले जाईकि मध्य सेमानको ए प्रकार उपशम मिलता है। ए समय रे आपणको जदि कोनोसी प्रकार औषध व्यवहार करिया पड़े ताहाले मन रखंतु मुख्यतः आपण सेकेंडरी बैक्टेरियल इन्फेक्शन, जहाँ कि यही भूताणु जेतेबेले शरीर में प्रवेश करे शरीर संक्रमण कर जाए सेतेबेले शरीर अंतर्निहित रोग प्रतिरोधक शक्ति कमाई दिए, जहाँफल कि बीजाणु माने यार सुजोग नहीं तांको शरीर भितर को प्रवेश करती, तेणु यही बीजाणु मानक आमको रोकवाक पड़ो। तेणुक आपंक एक आंटीबायोटिक्र व्यवहार करने को पड़े, आंटीबायोटिक इंजेक्शन
ଅପସନ୍ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠୁ ଭଲ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ମିଳିପାରୁଛି ତାହା ହେଉଛି ସେପ୍ଟିଓଫର୍ ସୋଡ଼ିୟମ୍। ଏହି ସେପ୍ଟିଓଫର୍ ସୋଡ଼ିୟମ୍ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ଟି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବ୍ରାଣ୍ଡ ନେମ୍ ବା ନାମରେ ନାମିତ ହୋଇ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆଣିକି ଦେଇପାରିବେ। ସେପ୍ଟିଓଫର୍ ସୋଡ଼ିୟମ୍ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ଟି ଆପଣ ଚମଡ଼ା ତଳେ ବା ମାଂସପେଶୀରେ ଦେଇପାରିବେ ଏବଂ ଏହାକୁ ଗାଈରେ ଦେବା ନିମିତ୍ତ ନିୟମ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଥରଟିଏ ଦେବେ ଏବଂ ତିନି ଥର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟା କିମ୍ବା ମତାମତକୁ ଆମ ନିଃଶୁଳ୍କ ଫୋନ୍ରେ ନିଶ୍ଚୟ ପଚାରନ୍ତୁ। ସମୟ ଅପରାହ୍ନ 4:00 to 5:00 ଆଉ ନମ୍ବର ହେଲା 1800-419-2155। ସମୟ ଇସାରା ଦେଲାଣି, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ, କାଲି ଆଉ କିଛି ନୂଆ ତଥ୍ୟ ନେଇକରି ଆସିବୁ। ଦେଖିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି, ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ନମସ୍କାର।